हेलो एवरीवन, तो आज मैं लेके आया हूँ व्यू फोर्ट की तरफ से वीटी एमरिस अरमिस, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, शायद गलत, आप लोग करेक्ट कर सकते हो। ये इसकी बॉटल है, क्या शानदार बॉटल है, वुडन कैप, फुल ब्लैक बॉटल, और कैप हटाते ही बर्निंग वुड की स्मेल होती है वो आने लग गई। ये इसका बॉक्स, और ये ऐसे खुलता है यहाँ से, ये यहाँ पे आपकी परफ्यूम की बॉटल आ जाती है। एलिगेंट सा बॉक्स है, सिंपल सा, एलिगेंट सा, सुपर सा बॉक्स है। बॉक्स को रखते हैं किनारे, आ जाते हैं। तो जिन लोगों को ये, एक बहुत ही नीश क्वालिटी का परफ्यूम है, नीश ब्रांड है, और मास प्लीजिंग ये नहीं है। स्टार्ट मैं ऐसे करना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि मास प्लीजिंग नहीं है परफ्यूम। जाड़ों के लिए बहुत ही शानदार परफ्यूम है, बहुत ही यूनिक स्मेल है। अगर आपको बर्निंग वुड, स्मोकी टोबैको, लेदरी वाइब अच्छी लगती है तो फिर ये आपके लिए है। इसमें विस्की का नोट है, टोबैको का नोट है, एम्बर का नोट है, स्पाइसेस का नोट है। तो बेसिकली जो स्टार्ट हो रहा है वो मेरे ख्याल से वुड, बर्निंग वुड है, वो भी वुड कैसी, जो एकदम जल जाती, काले रंग की हो जाती, वुड कोयला बनने वाली होती, वैसी सी स्मेल है। टोबैको की स्मेल है, स्पाइसेस की स्मेल है, तो स्पाइस और वुड एक्चुअली साथ साथ चल रहे हैं, और पीछे से टोबैको की वाइब आ रही है। इसमें मैं नोट्स पढ़ रहा था, तो इसमें लिखा था किसकी, विस्की की स्मेल, विस्की का नोट है, बट मैं विस्की इसको थ्रू आउट मैं स्मेल नहीं कर पाया हूँ। विस्की का नोट हो सकता है नहीं पकड़ में आ रहा, क्योंकि जो बर्निंग वुड, टोबैको और स्पाइसेस का जो नोट है वो बहुत प्रॉम्प्ट है। लेदर का नोट आपको हल्का हल्का सा दिखेगा बीच में। मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों को ड्राई बर्निंग वुड की स्मेल अगर अच्छी लगती हो, या जैसे कि समझो जाड़े का मौसम है और खुला आसमान है, बर्फ गिर रही है, हम कहीं पहाड़ों पे हैं, बर्फ गिर रही है और लकड़ी जल रही है, बॉनफायर हो रखा है, बॉनफायर चल रहा है और वो आग निकलनी बंद हो गई है, बस वो लकड़ी जो लाल हो रखी है, और उस समय जो, और हल्की सी भीनी भीनी हवा चल रही है और ऊपर से बर्फ गिर रही है, और वो जो हवा चल रही है वो आपके सामने से चल रही है, तो आपकी तरफ वो स्मेल आ रही है, तो वो जो स्मेल होती है कि नाक ठंडी पड़ी हुई है, बर्फ गिर रही है क्योंकि मौसम ठंडा है, और उसमें जो लकड़ी की, जलती लकड़ी की जो स्मेल होती है, ये एग्जैक्टली वैसा स्मेल कर रहा है। लेदर की वाइब है हल्की सी, टोबैको का नोट बहुत प्रॉम्प्ट है। ये बहुत ही यूनिक परफ्यूम है, हो सकता है सब लोगों को अच्छा ना लगे ये, और ये परफ्यूम सबके लिए है भी नहीं, मैं खुद भी ये कहना चाहूँगा ये सबके लिए नहीं है। आपको एक्चुअली परफ्यूम में आपकी नोज़ जो है वो पुरानी हो जानी चाहिए इसको स्मेल करने से पहले। इफ़ यू आर न्यू इनटू परफ्यूम्स, अभी अभी शुरू किया है, परफ्यूम में एंटर हुए हो सकता है ये अच्छा ना लगे, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को लकड़ी की स्मेल अच्छी लग सकती है, जलती हुई लकड़ी की, तो हो सकता है उनके लिए पहला परफ्यूम हो और ये अच्छा लग जाए। जाड़े के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, अगर आप जैसे कि जैसे कि समझो आप शादी में हो, और ऐसी, मतलब बेसिकली मैं कहना चाहूँगा ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे छत ना हो, ऊपर खुला हो, ठंडक के मौसम में लगाना है बट खुले एरिया में लगाओ, क्लोज एनवायरनमेंट में नहीं लगाना है इसे, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट स्मेल करने वाले हो। तो इस परफ्यूम को कपड़े पे जब लगाओगे, स्किन पे लगाओगे, तो इसको चाहिए कि ठंडी हवा, बर्फ, इस टाइप का क्लाइमेट इसको चाहिए वो ब्लो करने के लिए,
वो डिफरेंट जो स्मेल होगी, जो वाइब होगी, जो सेंट्रेल होगी, जो बबल होगा, वो जो ये लेके चलेगा ना, आप बहुत डिफरेंट स्मेल करने वाले हो। ये मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है खरीदे हुए, तो मैं अभी जो फील कर पा रहा हूँ इस परफ्यूम के बारे में मैं वही बता सकता हूँ। बात रही कॉम्प्लीमेंट्स की, तो मुझे नहीं पता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि इसको लगाओगे कुछ तो अलग होगा, आपको हो सकता है खुद खुशी मिले। कॉम्प्लीमेंट्स का मुझे अभी नहीं पता है, जाड़ा आने दो, मैं लगाऊंगा, यूज़ करूंगा, उसके बाद मैं एग्जैक्टली बता पाऊँ। बट मैं जो चीज़ें अभी बोल रहा हूँ वो एकदम पक्की हैं, आप डिफरेंट स्मेल करने वाले हो, आप बढ़िया स्मेल करने वाले हो, और इसको ओपन प्लेस में ही लगाना। लास्टिंग, प्रोजेक्शन, इन सब की चिंता मत करना, बहुत आराम से लास्ट करेगा, बहुत आराम से प्रोजेक्ट करेगा, और ये बड़ा बबल बनाने वाला है फॉर श्योर, ये पक्की बात है, बड़ा बबल बनेगा। क्योंकि जिस दिन ये आया था परफ्यूम, मैंने खाली एक स्प्रे मारा था और इसने, और मैं इंडोर था, थ्रू आउट एसी में था, तो उससे मुझे आइडिया पड़ गया था कि हाँ ये कैसी लास्टिंग देगा, कैसा प्रोजेक्ट करेगा। और फिर मैंने इसको 3-4 बार और यूज़ किया है, बट मैंने इंडोर ही यूज़ किया है, एसी में यूज़ किया है, तो उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि ये कैसा है परफ्यूम। बाकी ये ब्लाइंड बाय नहीं है, जैसा मैं कह पा रहा हूँ, अगर उससे आप रिलेट कर पा रहे हो, अगर टोबैको नोट के परफ्यूम्स अच्छे लगते हैं, क्योंकि आज के समय में नीश परफ्यूम जो हैं वो ज़्यादातर टोबैको का नोट यूज़ करने लग गए हैं। बहुत सारे नए नीश परफ्यूम्स जो लॉन्च होते हैं, सब में टोबैको का नोट होता ही होता है, तो अगर आपको टोबैको का नोट अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बना है। जलती हुई लकड़ी की स्मेल अच्छी लगती है तो ये आपके लिए है, और जो लेदर का नोट है वो पीछे की तरफ हल्का हल्का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। बाकी इसका एक और वीडियो आएगा, जाड़े में तैयार रहिएगा, मैं इसको लगाऊंगा, अच्छे से यूज़ करूंगा, और फिर मैं इस पर एक और बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बनता है इस पर एक और वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।